So here we have second match between Alijana Cricket Club and Dudu Rangers. We have both the captains here. We have Parvez Rasool from Alijana Cricket Club. And we have Asif Manzoor from Dudu Rangers. जैसे कि हम सबको मालूम है जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग की शुरुआत फिर से हुई सेकंड एडिशन और इस बीच में हम वार्म वेलकम करते हैं हमारे जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर है परवेज लास्ट ईयर मैच पे था, इस बार उन्हें बड़ी मेहनत करके इस ग्राउंड को इतना अच्छा वापस डेवलप किया है। इससे पहले हम यहाँ से निकलते थे, हमें नहीं पता होता था कि यहाँ पे ग्राउंड है। हमने बहुत क्रिकेट यहाँ पे खेली है, बट दैट इज अ ग्रेट एफर्ट्स फॉर मतलब जेकेपीएल वालों के, बहुत ग्रेट एफर्ट्स है। और जल्दी में इतने जल्दी टाइम में टर्फ क्रिकेट बनाना और ग्राउंड बनाना बहुत मुश्किल वक्त में। कह सकते हैं कि आप आज काफी वक्त के बाद कॉर्पोरेट टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अलीजाना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाउनटाउन चैंपियंस लीग के बाद, ऐसे लीग में खेलना कैसा लग रहा है? मुश्किल मैं हर जगह खेलता हूँ, मैं अपने बिजवारा में खेलता हूँ, बट मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा बहुत टर्फ पे खेलना। वो आपको मिला? हाँ हाँ, तो टर्फ पे है यहाँ पे और मेरे पास टाइम है, तो डेफिनेटली कहीं पे भी अच्छा क्रिकेट मिलेगा, कॉम्पिटिटिव मिलेगा, मैं खेलूँगा। चलिए, बात है हमारे साथ परवेज रसूल। वी ऑल नो कि परवेज रसूल के साथ साथ हम और भी बात करेंगे। मेरे से थे आरजे रफीक। आरजे रफीक, आपको ऑलवेज देखने को मिलते हैं, यू नो रफीक, आपका जो फैशन होता है, आपका जो समय होता है देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें जम्मू कश्मीर से प्लेयर्स और कहीं से भी हमने प्लेयर्स को बुलाया है ताकि यहाँ का जो लोकल टैलेंट है उनको मौका मिले कि वो बहुत सारे और लोगों के साथ अपने टैलेंट को आजमाएं। एंड JKPL इज डूइंग ग्रेट जॉब। एंड पहले सीजन के बाद आपने देखा कितना कामयाब रहा। एंड सेकेंड सीजन में मैनेजमेंट ने सोचा कि सबको अलाउ किया जाए कि बाहर के प्लेयर्स को भी लाएं, और हमारे पास भी ये मौका था कि हम ब्रॉडकास्ट जब कर रहे हैं, जब रेडियो पे इस बारे में बात करते हैं या कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास अपने प्लेयर्स और उनको सेलिब्रेट करने का एक रीजन मिल गया JKPL में, जहां बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स कश्मीर के, कश्मीर से बाहर के, वो IPL में खेल रहे हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। आज भी देख रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स हमारे साथ हैं। दिस इज द टाइम जब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और आगे भी आना चाहिए। कल आप मिले नहीं क्योंकि रेड 11 का मैच था, आप कहां थे कल जब रेड 11 का मैच था और रेड 11 ने जीता? लास्ट मोमेंट्स थे, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। सर मैं चाह रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि वो मोमेंट्स को रियल टाइम लाइव बहुत सारे और देखने वाले दोस्त हैं उस ग्लिच को ठीक करने के लिए। मैं अपने व्यूवर्स तक जाना चाहूंगा, मैं आरजे रफी के हवाले से बात करना चाहूंगा। हम अक्सर देखते हैं कि वादी कश्मीर में आरजे का जब टैलेंट होता है वो हिडन रहता है, लेकिन आरजे रफी के बारे में एक रोशनी डालना चाहूंगा। आरजे रफी जो है ये अपने अंदाज के काफी माहिनाज तजुर्बेदार इंसान है। हमने वक्त फवक्तन देखा कि ये अपनी हुनर से, अपनी कलाबाजी से एंटरटेन करते हैं, और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि आरजे रफी की जो बात है, काफी खेलने वाले भी है, ये अच्छे खेलने वाले, और साथ साथ एक स्पेशल मेहमान हमारे साथ है, वो आपको कम दिखेंगे। ये हमारे स्पेशल एक इंसान है, इनको हमारी तरफ से, ये ही तो हमारा एम्बेसडर है इस लीग का। मैं कह सकता हूँ कि इनके साथ में बात करूंगा, ये है अल्ताफ। अल्ताफ ठीक हो चुका, बहुत
माशाल्लाह इनका यही है कि ये खुशनसीब ही है हमारे लिए कि ऐसी लीग है। बात करना चाहेंगे स्टर्फ के हवाले से, आप देख सकते हैं यहाँ से टर्फ जो है ये सच में बड़ी बात है, और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कोशिश किया कि कवर अप करने के साथ साथ यहाँ की जो मैनेजमेंट है, बस लोगों से मेरी एक गुजारिश है बिफोर स्टार्टिंग दिस मैच, हमारे लोगों से गुजारिश है कि आप लोग का भी हक बनता है कि हमारे इस एम्बिशन को आप सपोर्ट करें। ऑलवेज हमने देखा कि वादी कश्मीर में हम लोग काफ़ी तजुर्बेकार हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, कल भी हमने देखा कि यहाँ पे एक छक्के पे थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होती, लेकिन वक्त वो है कि जहाँ पे हक हक बनता है कि अंपायर्स को सपोर्ट करे। अभी आपके साथ हम लाइव आएंगे, ढेर सारी बातें होंगी, ढेर सारे मुद्दा होंगे, अचीवमेंट्स के हवाले से बात करेंगे, आपके साथ हम ऑन एयर भी बात कर सकते हैं, मेरे साथ जीशान, फैजान काफ़ी है, मारू भाई है, और मैं अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूँ जो मुझे वीडियो उठा रहे हैं ना, ये एक ऐसा यंग लड़का है जीशु, इसका जो कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़बरदस्त है, और आने वाले वक्त में ढेर सारी बातें होंगी। और आज मैं कहना चाहूँगा व्यूअर्स को, जब आप हमें इनकरेज करोगे ना, वो आप खुद को इनकरेज करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये ज़रूरी नहीं कि हमें कमेंट्री आती है, ये ज़रूरी नहीं कि हमें बातें आती है, लेकिन हम एफर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आपसे ही हम लोग सीखेंगे। कुछ समय के लिए हम लोग आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, लेकिन इस ग्राउंड का आप देखिए, ये ग्राउंड मैटिंग तो है नहीं, ये वो टर्फ जहाँ पे लोग जो है काफी अच्छे से खेलते हैं, इंटरनेशनल सिनेरियो है। माइकल बेवन दुनिया के महिनाज खिलाड़ियों में उनका शुमार किया जाता था, कहते हैं उनने अपनी लाइफ में कभी अपनी मैटिंग को छोड़ के कभी क्रिकेट नहीं खेला है। ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे मुद्दा होंगे, आप देख सकते हैं कि एक साइड से अलीजाना की टीम है, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा, एक साइड से अलीजाना की टीम है, और दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कि डडू के ऑनर है, वो डडू जो एक नामी ग्रामी टीम बन चुकी है, और इनके ऑनर है आदिल भाई। आदिल वेलकम मेरे प्रोग्राम में आपका, ये बताओ कि कैसा लग रहा है आपका आज? बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, और विकेट भी अच्छी है, ग्राउंड भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी काफी अच्छे से मेंटेन कर रही है, डग आउट प्रॉपर तरीके से अलग अलग जगह है, काफी मजा आ रहा है, बेस्ट टूर्नामेंट अमंग जे एंड के में। चलिए इनके मानना है क्योंकि ये हर एक जगह खेलते हैं, इनमें बोला कि अमंग जे एंड के में अच्छा, हम ये नहीं बोलेंगे आपको क्वांटिटी देंगे, लेकिन आपको क्वालिटी देंगे, अल्लाह ने के मान आपसे।